तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा स्नोबर्ल्ड का ये थर्ड पार्ट जिसमें कि आपका मैं वेलकम करती हूँ। और अब इस मस्ती के बाद अब लगी थी पेट में बहुत तेज भूख, और हम लोग ढूंढ रहे थे हल्दीराम का रेस्टोरेंट जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था, जिसको ढूंढते ढूंढते हमारी भूख तो इतनी बढ़ गई, पूछिए मत। इतना ज़्यादा चलना पड़ा इतनी इतनी दूर तक। ये यहाँ पर एक स्टैचू था जो कि बहुत ही डिफरेंट लुक में था, अच्छा लग रहा था नो डाउट। सबको हो रहा था जल्दी से बस अब हम पहुँचे रेस्टोरेंट में और कुछ खाएं, क्योंकि बच्चे नाश्ता करके प्रॉपरली नहीं आए थे। हम लोगों ने भी प्रॉपर नाश्ता नहीं करा था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, क्योंकि मैं टाइम से अगर नाश्ता ना करूँ, खाना ना खाऊँ तो मेरा सिर में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तो कुछ खा के निकलती हूँ घर से। बहुत ही बड़ा मॉल है DLF मॉल नोएडा का, काफ़ी खूबसूरत। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई ऐसा शोरूम होगा, कोई ऐसा ब्रांड होगा जो यहाँ पर नहीं मिले आपको। बहुत ही अच्छा है, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो नोएडा के इस DLF मॉल में ज़रूर जाएं। और ये देखिए मेरे गले में आपने स्टार्टिंग में एक चैन देखी होगी जो कि पता नहीं कहाँ गिर गई, मेरा फेवरेट, बहुत ही खूबसूरत चैन, बहुत ही सुंदर। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा एक वाइट कलर का, ये देखो पीछे बच्चे। अगर स्नो वर्ल्ड वाले सुन रहे हो, मुझे लग रहा है जहाँ तक वो जैकेट के साथ ही गिर गया कहीं पर निकालते समय जैकेट, किसी को मिले तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए, मेरा फेवरेट लॉकेट है वो। बट इट्स ओके, आर्टिफिशियल ना कर रहे हैं, बट आर्टिफिशियल फेवरेट तो फेवरेट होता है। आशा रह गई, आशा रह गई है, प्राची है, प्राची रह गई है। हम लोग ऐसा करते हैं अगली बार पूरा बड़ा ग्रुप लेके आते हैं, जिसमें हमारी सारी फ्रेंड्स आएंगे, ट्रैवलर करेंगे और ट्रैवलर में लेके फिर आते हैं, मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम फिर प्लान करते हैं। बाबू आराम से गिरना नहीं, किधर है हल्दीराम? पूछने गया इससे पूछूँ, पूछने हल्दीराम के बारे में, हल्दीराम पता है किधर है? आओ बेटा, यार मेरे वो गले का इतना प्यारा था, वो अच्छा था यार, वो जैकेट का मुझे लगा था जैकेट। अब कहाँ ढूंढ भी नहीं सकते, स्नो में आप कुछ नहीं ढूंढ पाए। एक ही हाथ से पकड़े पकड़े हालत खराब हो जाती है। सबको इतनी तेज भूख लगी थी ये, बट ये हल्दीराम का रेस्टोरेंट मिल जाए, भगवान, इतनी दूर था, चलते 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 हालत खराब हो गई। कोने में जाके बनाया हुआ है। चलिए या फाइनली हम लोग पहुंच गए हल्दीराम, हम पहुंच गए, जल्दी जल्दी अंदर जाके पेट पूजा करनी है, भूख लग रही है बहुत तेज। रश इतना था उस दिन भी, हम लोग शायद फ्राइडे को हम लोग गए थे और फाइनली हमें सिटिंग मिल गई, जो कि ज़्यादा रश होने की वजह से मिलती नहीं है, बट हमें मिल गया इजीली। दो छोला भटूरा, दो मसाला डोसा और एक थाली, हमें तो याद है, बच्चों को याद नहीं। बच्चों को याद नहीं, इसलिए बता रहे है? और अगर बच्चों को जरूरत पड़े तो नूडल्स भी आएंगे, नूडल्स और चाय, अरे दो चाय, दो चाय, चाय भी हमारी, चाय भी, दो चाय भी, दो चाय खट्टू। और ये आ रहा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, डोसा है, डोसा के लिए क्या है ये, डोसा बच्चों की पसंद, मुझे भी पसंद है, बट अभी दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या ऑर्डर किया था। मैं जाऊँ ना, पंकु भाई साहब पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे इधर उधर, या क्या दूसरा डोसा, कहाँ जाओगे? हाँ लेकर आओ जाओ भाई, देखने में अच्छा लग रहा है। आप क्या खा रहे हो? डोसा। अनु थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि इनको डोसा नहीं खाना, ये क्या खाना है?
इन्हें खाना है, इन्हें खाना है, अभी दिखाएंगे आपको इनको क्या खाना है। स्टार्ट हो चुके हैं और अनु अपने ऑर्डर का वेट करते हैं, हमारी खाली भी आ गई। अनु गुस्से में है, बहुत लड़ कर रही है। पापड़ वाओ, हम लोग तो स्टार्ट हो गए खाना, बट अनु का अभी तक नहीं आया था। बहुत टेस्टी था खाना, नो डाउट। राम की थाली तो बहुत टेस्टी है, आप लोग जरूर कभी ऑर्डर करके देखें। मुझे तो थाली पर्सनली बहुत पसंद आई। ये देखो ये चल रहा है इनका। एक ग्लास है ना, खाना खत्म भी हो गया हमारा। आलू का छोले भटूरे मैंने नहीं दिखाए, छोले भटूरे थे आलू के, छोले भटूरे मिस हो गए शायद दिखाना। और ये फिर नूडल्स मंगाया बच्चों ने अपने लिए, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। नूडल्स टेस्टी थे नो डाउट, डोसा ठीक ठाक था डोसा इतना, छोले भटूरे भी मुझे नहीं अच्छे लगे। थाली बहुत टेस्टी थी। ये बंकू ने क्या ऑर्डर किया था, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बस। कैसा है बंकू, टेस्टी है? ये लगे हैं नूडल्स खाने में। हल्दीराम का मेरे बच्चों को चटपटा बहुत अच्छे थे। थाली खाई है, पनीर, पनीर दाल मखनी, मतलब ओवरऑल जो पूरा मील था हमारा वो सेटिस्फेक्शन वाला मील था, बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। देखो बाबू को पसंद आया आखिरकार। और हमारा खाना हो चुका है, पेट पूजा हो चुकी है। अनु को करनी थी ये राइड, जिसके लिए वो बहुत देर तक मुंह फुला के बैठे थे। मतलब 200 में ये राइड थी, इतना ज़्यादा महंगा था वहाँ पर। वहाँ के एक्चुअली सभी मॉल्स में ज़्यादातर यही होता है, बताइए 200 की राइड। अब बच्चे एक बार देख ले। तो फाइनली हम लोग घूम कर आ चुके हैं घर। अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं ड्राइव करके भी, इतना ट्रैफिक था रास्ते में, बहुत ज़्यादा थकान हुई है। तो कैसा लगा बच्चा पार्टी, कैसा लगा, मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय। बाबू को नहीं आया क्यों? कैसा लगा अनु, आपको क्यों नहीं मजा आया? तो कैसा लगा, क्यों इनकी मेट्रो कार रह गई? मेट्रो कार रह गई बीजेपी मॉल में, इनकी मेट्रो कार। इतने अच्छे कैंसिल सेट दिलाया मम्मा ने, देखो हम दिलाएंगे दिलाएंगे। चलो फिर बच्चों का तो चलता ही रहेगा। अब मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज लाइक शेयर एंड क्या करना है, सब्सक्राइब। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय करो सब, बाय।